ये आपका टॉप कन्वर्शन कॉल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वृंद देखिए, नजर तो आईटी स्टॉक्स पे है, रिलायंस भी है और सामने एक्सपायरी है, तो इस एक्सपायरी में किसी सेक्टर ने परफॉर्म किया था तो मुझे लगता है वो है टेक्नोलॉजी काउंटर्स। एट द सेम टाइम रिलायंस, तो मुझे लगता है कि जो कि एक्सपायरी सामने है, मैं शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे प्ले करूंगा। सो आईटी में मुझे सबसे बढ़िया जो लगता है वो है इन्फोसिस। अगर आप इन्फोसिस का डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखता है अबाउट 10 डीएम में, एंड एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न 1860 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। पिछले 10 दिनों से ये अपने 10 डीएम में यानी 1860 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। सो मैं बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखूंगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1830 का। इसका जो टारगेट है टिल एक्सपायरी, मैं टिल एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबली जो टारगेट है वो है मेरा 1950 प्लस का टारगेट है। लेकिन एज फार एज द डे इज कंसर्न, मैं यही कहूंगा आपको जो बाय करना है वो रहेगा बाय ऑन डिप 1860 के ऊपर। 1900 पे कॉल राइटर खड़े हैं, ये आपका पहला पड़ाव है, और 1900 अगर खुलते ही पार करता है तो क्लियर कट बाया बनता है 1950 के टारगेट के लिए। सो सिर्फ लेवल्स का जिक्र किया, 1900 के बाद 1950, 1860 का एंट्री, 1840, 1830 के रेंज में आपका स्टॉप लॉस सेट होता है। तो इन्फोसिस इज अ बाय। डिस्क्लोजर ये